तो प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना था कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की जो तानाशाही है वो लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से एक साल तक किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और 8 किसानों की जो मौत हुई है वो बेहद निंदनीय है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। ये पूछा है सरकार से कि आखिरकार कब इस बात का समाधान निकलेगा। वो पहले भी किसानों के लिए संघर्षरत रही हैं। मृतकों के परिवार को 45 लाख के मुआवजे का ऐलान अब सरकार की ओर से कर दिया गया है। घायलों को 10 लाख की सहायता देगी सरकार। लगातार मांग की जा रही थी, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक किसानों की परिवार की मांगे नहीं सुनी जाती हैं। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये वादा भी किया गया है। वहीं परिजनों को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। सर गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूसरे व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी अभी पीएम ओवर के बाद हर जाए।